हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम चावल और दाल मखनी एक ही कुकर में बनाएंगे। तो गाइस, इसके लिए देखें कुकर चढ़ा देंगे और गैस ऑन कर देंगे। और ये मैंने राजमा और उड़द भिगो दिए थे 8 घंटे के लिए, और ये भीग कर अच्छी तरह फूल गए हैं। तो ये देखिए, इनको हम कुकर में डाल देंगे। अच्छी तरह मैंने इनको साफ़ कर लिया है। ये 200 ग्राम उड़द और राजमा है। इसमें हम 300 से 400 ग्राम पानी डाल देंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे और हल्दी मैंने डाल दी है इसमें आधी चम्मच। और ये देखिए, मैंने चावल ले लिए हैं, तो इसको धो लेते हैं पहले। चावल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और अब हम एक डिब्बे में डाल देंगे इसको। 1 गिलास चावल में हम 2 गिलास पानी डालते हैं, 2 से सवा 2 गिलास, तो उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे। डिब्बे को हम बंद कर देंगे। और कई लोग बोलते हैं कि डिब्बे को बंद करके इसमें रखने से कुकर फट जाता है। कुकर कभी भी नहीं फटता गाइस, इस तरह से खाना बनाने से। कुकर जब फटता है, जब हम इसमें से सीटी में से गैस नहीं निकलती और वो अंदर ही बंद हो जाती है और सीटी काम करना बंद कर देती है, तब इसमें कुकर फटने की संभावना होती है। तो सीटी अच्छी तरह से निकालने, या तो चम्मच से या फिर नेचुरल सीटी का की हम हवा निकाल लेंगे, तो कभी भी कुकर नहीं फटता है। एकदम तली में रख देंगे। और ये साइड में हो गई है हमारी दाल, 5 से 6 सीटी लगवाएंगे। तो ये देखिए, कुकर में उबाली आ गई है। अब हम ढक्कन लगा देंगे। जब तक हमारी दाल पकती है, हम ये काट लेंगे। ये देखिए, मैंने लहसुन ले लिया थोड़ा सा, हरी मिर्च 150 ग्राम, प्याज और 200 ग्राम टमाटर ले लेंगे। इनको बारीक काट लेते हैं। अदरक ले लेंगे 1.5 इंच टुकड़ा, और अब इन सबको हम बारीक काट लेंगे। तो गैस कुकर में सीटी अच्छी तरह से आ नहीं रही है, तो इसको हम सिम करके 5 मिनट और उबाल लेंगे। तो दाल चावल हमारे उबल गए होंगे। गैस बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने के बाद खोल लेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है, इसको खोल लेते हैं। और ये देखिए, सारा प्याज टमाटर अदरक लहसुन मैंने काट लिया है। चावल हमारा पक गया होगा। और ये देखिए, दाल भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। और ये देखिए, राजमा भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। राजमा बड़े थे दाल से, तो अच्छी तरह से पक गए हैं, मतलब दाल भी पक गई होगी अच्छी तरह से। और चावल को देख लेते हैं, तो ये चावल भी हमारे बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। ये देखिए, तो चावल हम साइड में रख देते हैं और दाल को तड़का लगाएंगे अभी। पहले पैन चढ़ा लेंगे। दाल मखनी रिफाइंड में भी बन जाती है और घी में भी बन जाती है, मक्खन में भी बन जाती है। तो गाइस, आज हम घी में बनाएंगे। तो 2 चम्मच के करीब मैं इसमें घी डाल दूंगी। इसमें जीरा डाल देंगे। इसमें हींग जरूर डालेंगे हम 1.5 चुटकी। और उसके बाद हम लहसुन सेकेंगे।
ये देखिए लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है, तो इसमें हम मिर्च और अदरक और प्याज इकट्ठा ही डाल देंगे और इसको सेक लेंगे। प्याज हमारे भुन गए हैं, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और मसाले डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे 1 से 2 चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे और ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक मैंने दाल में भी डाल दिया था तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इनको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो टमाटर हमारे पकने वाले हैं, हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही की डाल देंगे। इनको हम अच्छी तरह से पका लेंगे घी छोड़ने तक। तो ये देखिए टमाटर हमारा अच्छी तरह से पक गया है, अब हम फिर से दाल चढ़ा देंगे और इसमें सारा मसाला डाल देंगे। और 1 गिलास पानी डालेंगे। और पानी डालने के बबाद हम इसमें 1/2 कटोरी मलाई डालेंगे, ये पतली पतली मलाई है, इसमें दूध भी है साथ में और फ्रेश मलाई है, तो ये डाल देंगे। इसको अब हम 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए उबलनी शुरू हो गई है और इसको हम और उबालेंगे अच्छी तरह से और इसको एकदम सॉफ्ट कर लेंगे, इसका कलर भी बदल जाएगा जब ये उबल जाएगी। तो ये देखिए दाल हमारी उबल गई है, अब हम इसमें मक्खन डालेंगे। ये 200 ग्राम दाल थी तो हम इसमें 1/2 मक्खन डाल देंगे, ये 50 ग्राम मक्खन है। और थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है और इसको साफ कर लेंगे, ये भी हम दाल में डालेंगे। धनिया मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। इसको और पका लेंगे 10 मिनट। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं उबाल आते हुए। दाल मखनी को तो हम चाहे 4 घंटे उबाल लें, 5 घंटे उबाल लें, जितनी ज़्यादा उबालेंगे उतनी बढ़िया बनती है। तो ये मैंने 1/2 घंटे उबाली है और ये बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए गाइस चावल भी संभाल लेते हैं हम, चावल हमारे बन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया हमारे चावल बने हैं। तो ये देखिए गाइस कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं। ये था मेरा आज का वीडियो और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।